हाय एवरीवन स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में आइए जानते हैं हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या क्या पढ़ाने वाले नया ंगल स्क् रोमबस बी पैलेरोग्राम अरे स्क्र एंड रोम्बस है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैलेरोग्राम एंड अ फ्यू मोर इट मीन एक पेलेरोग्राम होने के लिए रेक्टेंगल स्क्वायर और रोमबस के पास वे सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक पैरेललोग्राम की होती हैं बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और होती हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेक्टेंगल रेक्टेंगल के क्या है देखिए ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल जो रेक्टेंगलस हैं उसकी जो टू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स होते हैं और उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वे इक्वल्स होती हैं क्लियर नेक्स्ट रोमबस रोमबस की जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वह हैं द डायगोनल ऑफ अ रोमबस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स रोमबस की जो डायगोनल्स होती हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं कितने डिग्री के एंगल्स पर नाइन्टी डिग्री के एंगल्स पर सेकेंड द डायगोनल ऑफ अ रोमबस बाइसेकट द इंटीरियर एंगल्स जो रोमबस के डायगोनल्स हैं वे इंटीरियर एंगल्स को बाइसेकट करती है नेक्स्ट स्क्वेयर ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वेयर आर इक्वल स्क्वायर की जो साइड्स होती है वे क्या होती है इक्वल होती है एंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर आर इक्वल एंड बाई सेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स जो स्क्वास के डायगोनल्स हैं वे इक्वल्स होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल्स पर बाइसेक्ट करती हैं एंड नेक्स्ट द एंगल विच अ डायगोनल मेक्स विद अ साइड इज इक्वल टू 45 इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं एग्जांपल इज इज अ रेक्टेंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड ओ डी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर फाइंड एंगल सी एडी सी डी एंड ए सी तो देखिए सबसे पहले हम हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हमें फर्स्ट वाले में क्या फाइंड करना है एंगल सी ए डी तो देखिए ये फिगर दी हुई है यहां एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी ठीक है तो देखिए जो ए बी है वह कितना है सिक्सटीन सेंटीमीटर ओडी कितना है सेवन सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए से यानी ए पर जो एंगल बन रहा है वह कितने डिग्री का है ट्वेंटी फाइव डिग्री का तो हमें फाइंड करना है एंगल सी तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ईच एंगल ऑफ़ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लियर तो एंगल सी निकालना है तो देखिए एंगल सी ए डी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम 90 डिग्री में से एंगल बी ए सी माइनस कर देंगे एंगल बी ए सी है बी ए सी क्योंकि जो ईच एंगल कितने का होता है रेक्ट एंगल का 90 डिग्री का तो देखिए 90 डिग्री में से हम एंगल बी ए सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल सी तो देखिए 90 माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री क्लियर नेक्स्ट हमें फाइंड करना सी डी सी डी की वैली फाइंड आउट करनी है तो देखिए सी डी जो है ए बी के इक्वल है तो देखिए एबी कितना है सिक्सटीन सेंटीमीटर इट मींस सी डी कितना होगा सिक्सटीन सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल एसी तो देखिए इस फिगर में हमें ओ डी कितनी दी हुई है सेवन सेंटीमीटर और जो डायगोनल्स होती हैं रेक्टेंगल में एक दूसरे को क्या करती हैं बाइसेक्ट करती हैं तो देखिए हाफ हमें कितनी दी हुई है सेवन सेंटीमीटर अगर हमें फुल डायगोनल्स निकालनी है बी डी तो हम क्या करेंगे टू का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें ओडी में तो देखिए डायगोनल बी डी इज इक्वल टू टू इंटू डी ओ हमें फुल डायगोनल निकालनी है ना बीडी तो हमें हाफ कितनी दी हुई तो है ओडी सेवन सेंटीमीटर तो ओडी जो दी हुई है हम उसमें क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू इंटू डी यू इज इक्वल टू टू इंटू सेवन टू सेवन जो फोर्टीन सेंटीमीटर तो, तो बी डी की लेंथ क्या हो गई सेंटीमीटर देर फोर डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी और बी डी कितनी थी फोर्टीन सेंटीमीटर सो so, ए सी भी कितनी होगी फोर्टीन सेंटीमीटर बिकॉज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है इक्वल्स होती हैं ओके थैंक यू